नमस्कार दोस्तों, मैं जेसी देवांगन कम्युनिकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे कोचिंग के छत्तीसगढ़ के ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अब अंग्रेजी की भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है, जिसमें रोज एक एक वीडियो डलते जा रहे हैं। तो अगर आपको अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो कोचिंग के आप जो ऐप है उसको डाउनलोड करके आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, और इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी आपको दे दिया है। तो जो इंग्लिश का जो कोर्स चल रहा है वो आपके एसीएफ के लिए, पीएससी मेंस के लिए, व्यापम के लिए, स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और इसीलिए मैंने कुछ कॉमन सिलेबस तैयार करके रखा है। देखिए, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंटेक्स है, इससे संबंधित वीडियो बना लिया गया है। सिंटेक्स में क्या पूछ जाता है आपसे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में, तो ये काफी डिटेल से उसमें बताया गया है। आर्टिकल्स को भी डिटेल से मैंने उसमें पढ़ा दिया है, जिसमें जीरो आर्टिकल्स को भी मैंने आपको बताया है। नाउन के सभी रूपों को, जो दो से शुरू होकर पांच तक जाता है, यानी शुरू में हम दो रूप पढ़ते हैं, फिर बाद में दो से बनता है पांच, तो उनको भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। वहीं नंबर में जो एक्सेप्शन वर्ड्स हैं, जैसे कि फोटो, सोलो, किलो, न्यूज, जैसे क्राइटेरिया, फिनोमेना, तो ये इस तरह के जितने भी शब्द हैं उन सबको मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। जेंडर में ऐसे क्वेश्चंस को डील किया है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे या आने की संभावना है। वहीं केस जो होता है, केस में क्या पढ़ना होता है हमें, भाई अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगाते हैं या खाली अपोस्ट्रोफ कहाँ लगाते हैं, वो चीज़ें भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। प्रोनाउन में क्या होता है कि हमको स्टडी करना होता है पजेसिव प्रोनाउन का, जहाँ से जनरली क्वेश्चन आता है, तो ये भी वहाँ पढ़ाया गया है। टाइम एंड टेंसेस से अक्सर जो होता है वो क्वेश्चन करेक्शन से आता है या आता है एरर डिटेक्शन से, तो ये चीज़ें भी वहाँ बता दी गई हैं, ठीक है। डिग्री, एडजेक्टिव, इन सबको भी डिटेल से पढ़ाया जाएगा। वॉयस को आपको पैटर्न के अनुसार पढ़ाया जाएगा। पैटर्न के अनुसार पढ़ाया जाने का मतलब ये है कि किस टेंस से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें करीबन मैंने एक एक टेंस का 12 से 20 पैटर्न तैयार किया हुआ है, जिस पैटर्न में आपको प्रत्येक टेंस से क्वेश्चन पूछेगा वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। नरेशन के लिए जो आपको समस्या होता है कि कब आई का ही हो जाता है और कब यू का मी हो जाता है, तो ये चीजें मैंने एकदम क्लैरिफाई कर दिया है। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वो भी क्लैरिफाई किया जाएगा, जैसे कि लाई होता है ना, तो लाई के कई बार मीनिंग बदल जाते हैं और उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म के अनुसार से अलग अलग मीनिंग हो जाता है, तो वो भी इसमें क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सब भी एकदम डिटेल से क्लैरिफाई किया जाएगा। एडवर्ब में देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, और भी जो इसके प्रकार हैं वो सब डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। वहीं कुछ और सिलेबस है, देखिए जैसे प्रीपोजिशन है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीपोजिशन में तीन तरह से प्रीपोजिशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनता है सिंपल से और कंपाउंड से, तो वो भी मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। कंजक्शन में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट कंजक्शन हैं, वो भी मैं डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा इसमें। सेंटेंस में जो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड सेंटेंसेस है, और इनको कैसे बनाते हैं, आप कैसे पहचानोगे कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, वो भी इसमें बताया जाएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी आपको पूरी तरह से क्लियर किए जाएंगे। क्वेश्चन टैग के लिए मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे, जीवन भर याद रह जाएगा आपको ट्रिक्स। क्लॉज में जो अक्सर लोगों को समस्या होती है, उस समस्या को दूर करने के लिए मैंने कुछ रूल्स अपने खुद के बनाए हुए हैं, जिसको देख करके, जिसको पढ़ करके आपको क्लॉज हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसको याद करने के लिए मैंने चार्ट भी बना दिया है, उस चार्ट में आप इजीली इनको याद कर सकते हो, जो एग्जाम में आए हुए थे, और जो इम्पोर्टेंट वाला है वो मैं आपको वीडियो में पढ़ा दूंगा। वहीं इडियम्स एंड फ्राजेस, ये अधिकतर लोगों की समस्या होती है कि इडियम्स एंड फ्राजेस को हम कैसे स्टडी करें, तो इसको भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको ईजिली आपको पढ़ा दूंगा, हिंदी मीनिंग के साथ, सेंटेंसेस यूजेस के साथ पूरी तरह से। स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट, इसके लिए मैं कुछ
विशेष रूल्स बताऊंगा जिससे आपको स्पेलिंग में कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। वैसे ये कहना तो मुश्किल है कि कौन से इम्पोर्टेंट या कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जिस तरह से मैंने देखा है पीएससी मेंस में और व्यापम में, तो उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। प्रेसिस राइटिंग के लिए मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जो आपको आराम से प्रेसिस राइटिंग करना सिखा देगा। ये पीएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 1/3 लिखना होता है आपको पैसेज का, तो वो बहुत ही इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ट्रांसलेशन जो है वो शुरू से ही आपको सिखाया जाता है, कहाँ से, सिंटैक्स के क्लास से ही, ठीक है। तो सिंटैक्स के क्लास से ही आपको ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है, आप वीडियो देख के समझ जाएंगे, जिसमें कुछ पेड वीडियो भी हैं और कुछ आपको डेमो वीडियो भी है, तो डेमो वीडियो देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है। अनसीन पैसेज बनाने के लिए भी मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स को मैं आपको बहुत ही इजीली पढ़ा दूंगा। कॉमन एरर और जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये दोनों तो मैं शुरुआत की क्लास से ही कराता आ रहा हूँ कि भाई कॉमन एरर कैसे बनाना है और प्रैक्टिस कैसे करना है। तो ये जो सिलेबस है, इन सिलेबस का पूरी तरह से विस्तृत अध्यापन आपको कराया जाएगा हमारे ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस में। जुड़ने के लिए आप हमारी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लें, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। थैंक यू।